الرحمن الرحيم. हेलो नाज़रीन, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। आज मैं जो आपके सामने रेसिपी लाई हूँ वो है पिस्ते वाली बर्फी। इसके लिए जो चीज़ें दरकार हैं वो मैंने पिस्ता लिया है, बादाम लिए और 4-5 अदद सफ़ेद इलायची ली है, 2 चम्मच देसी घी ली है, 1/2 कप चीनी और 1 किलो दूध मैंने लिया। तो चले आप स्टार्ट करते हैं। कढ़ाई मैंने चूल्हे पे चढ़ा दी है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब मैं इसके अंदर ये 2 चम्मच देसी घी डालूंगी। अब बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब मैं इसके अंदर जो है 1 किलो दूध है वो डालूंगा। अब मैं फैन को तेज कर दिया। अब मैं इसमें जो चीनी थी वो भी साथ ही डालने लगी। बिस्मिल्लाह। और ये सफ़ेद इलायची 4 अदद। अब इसको इतना पकाना है कि ये गाढ़ आ जाए। थोड़ी देर में ये आस्ता, फिर मैं इसको आँच अब जो तेज़ करने लगी हूँ, इसको तेज़ आँच पे पकाना है। तेज़ आँच पे पकाना है। देखिए अब हमारा जो दूध जो है गाढ़ा होना शुरू हो गया है। इसको इतनी देर पकाना है कि ये खोए की शक्ल अख्तियार कर ले। अब मैं इसको इसी तरह चमचा हिलाती रहूँगी और तेज आंच पे पकाती रहूँगी। ये देखें नाज़रीन, अब हमारा ये देख गाढ़ा हो गया और खोए की शक्ल अख्तियार करना शुरू कर दिया इसने। ये देखिए अभी तैयार हो रहा है। और ये जो कि किनारों पे जम जाए इसको उतार के आप चम्मच के साथ ऐसे अंदर करते जाए ताकि ये सूखे ना। ऐसे आप किनारों से उतार देते हैं अंदर करते हैं और इसी तरह चम्मच बराबर हिलाते रहें ताकि ये नीचे से जल ना जाए। ये देखिए अब हमारा ये खोए 5 मिनट और लगेंगे तो ये हमारा तैयार हो जाएगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये देखें नाज़रीन, अब हमारी बर्फी जो है तैयार होती है। देखिए गाढ़ा हो गया, इसमें घी भी देखे छोड़ दिया। अब मैं इसको एक बर्तन में निकालूंगी। पहले से मैंने बर्तन को देसी घी लगा के रखा हुआ है और इसको करने लगे पिस्ता डाल के। अब मैं इसको डिश में निकालने बस। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये देखे नाज़रीन हमारी बर्फी तैयार हो गई है। तो अब मैं इसको 1/2 घंटे के लिए ठंडा होने के लिए रख दूंगी। फिर उसके बाद मैं इसके काट लूंगी। ये देखे माशाल्लाह कितनी अच्छी तैयारी हो। ये बहुत ही आसान रेसिपी है और बहुत जल्द तैयार हो जाती है। आप भी इसी तरह तैयार करें। तो अब मैं इसको फ्रिज में 1/2 घंटे के लिए रखने लगी हूँ ताकि ये ठंडी हो जाए। ये देखें नाज़रीन हमारी बर्फी तैयार हो गई है। अब मैं इसको
okulun ve gardiyanla buluşsun. Bismillahirrahmanirrahim. Ve deyken hazirin. Maşallah hamari kitni açı. Barfi tiyar hoi gaya. Yine ayeti bir asan resipi hai. Biz jö çizim mene isme ڈalli hai. Jö sari garmi mucud hoti hai. 1 kilo mene isme dood ڈalli hai. 4 çamaç çini ڈalli hai. 4 adad mene sifed ilaçiyan ڈalli hai. Piske. Aur 2 çamaç desi ghee ڈalli hai. Aur us dood ko phir mene achi tarah गाढ़ा कर लिया. जब उसने खोए की शक्ल अख्तियार कर लिया फिर मैंने उसमें पिस्ता डाल के उतार लिया. और फिर अब जब पिस्ता डाल के उतार लिया और एक बर्तन में मैंने घी लगा के रखा हुआ था उसमें डाल के मैंने फ्रिज में आधा घंटे के लिए रख दिया. और ये देखें माशाल्लाह अब हमारी कितनी अच्छी बर्फी तैयार हुई है. आप भी इसी तरह बनाएं खाएं और मुझे अपनी दुआओं में याद रखें और मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब करें और लाइक करें. अल्लाह हाफिज़.